नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार बरोटवैली से। इस वक्त मैं हूं मौजूद अपने गांव बरोट में। यह है मेरा गांव बरोट, जहां से हम यात्रा की शुरुआत करेंगे। हम जाएंगे बरोट गांव से 20 किलोमीटर दूर खूबसूरत राजगुंदा गांव की तरफ। राजगुंदा गांव बरोट वैली के अंतिम छोर पर पड़ता है। वहां पर हम बर्फ से लदे हुए खूबसूरत पहाड़ और उहल नदी के किनारे एक बनाएंगे मैगी पार्टी, और उसके बाद खिचड़ी पार्टी, और अंत में टी पार्टी। तो चलिए आप भी हमारे साथ आज के इस रोमांचक सफर में। तो दोस्तों, हम ठंडी गुलाई पहुंच चुके हैं, जहां से हम गाड़ी के जरिए जाएंगे राजगुंदा गांव तक। देखिए, हमारे साथ जाने वाले मित्र मंडली भी पहुंच चुके हैं, और हम जाएंगे ओमनी वैन में, 8 सीटर। तो चलिए चलते हैं। ये रही वो गाड़ी जिसमें हम सब जाएंगे। तो अभी हम गाड़ी में पिकनिक मनाने का सारा सामान भर रहे हैं, उसके बाद हम राजगुंदा की तरफ चल पड़ेंगे। कैसी लगी आपको ये लोकेशन? तो चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपनी मंजिल राजगुंदा गांव की तरफ।
वक्त हम जो इस नदी पे पुराना पुल बनाने से जा रहे हैं, जबकि अभी तक नया पुल बना नहीं है। वैसे तो टेम्पररी पुल बनाया है जहाँ से अभी हमारी गाड़ी गुजरी है नदी पर से। तो लीजिए, हम पैदल पुल से चलते हुए गाड़ी के पास पहुंच चुके हैं और ये रही ओहल नदी और उस पर बना हुआ टेम्पररी पुल जहाँ से हमारी गाड़ी अभी गुजरी थी। पीछे दूर बर्फ़ से लदे हुए सुंदर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी रोक दी है। यहाँ पर हम थोड़ी देर रुकेंगे। अभी राजगोंदा गांव यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर हम पिकनिक मनाएंगे। अपने साथ हम सिलेंडर और गैस भी लेके आए हैं और खाना बनाने का सारा सामान लेके आए हैं। हमारे साथियों ने सारा सामान निकाल लिया है खाना बनाने का। तो यहाँ पर चलिए पिकनिक मनाते हैं, उसके बाद चलेंगे हम राजगोंदा गांव, थोड़ा इन्जॉय कर लेते हैं। यहाँ पर आइए। बर्फ़ से लदे हुए ये पहाड़ बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। ऊहल नदी के साथ साथ जाता हुआ घाटी का ये रास्ता बड़ा बंगाल जाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये रास्ता ग्लेशियरों से होते हुए थमसर पास और कालीहानी पास से होके जाता है। तो चलिए, खाना पकाने के लिए पहले सेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। ऊहल नदी के किनारे की लोकेशन बहुत ही खूबसूरत है और पिकनिक मनाने के लिए एकदम परफेक्ट स्पॉट है। दोस्तों, ऊहल नदी ग्लेशियर के पानी से बनी है और इसका पानी बहुत ही ज़्यादा साफ़ है यहाँ पर, इसलिए हम पानी पीने के लिए और खाना बनाने के लिए इसी पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी का बहाव बहुत ही तेज़ है, इसलिए सावधानी से पानी भरना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि पानी के साथ साथ बाल्टी भी चली जाए। तो लीजिए, हमने सेफली पानी भर लिया है। जब तक मैगी तैयार होती है, तब तक आपको दिखाते हैं यहाँ पर बिताए हुए कुछ यादगार पल। तो लीजिए, मैगी भी तैयार हो गई है, तो चलिए खाते हैं गर्मा गर्म मैगी। अभी जरा राजमा की खिचड़ी पकने में टाइम है, तो तब तक हम जरा राजगोंदा घूम के आते हैं। तो चलिए चलते हैं। वर्ल्ड कप पैराग्लाइडिंग साइट बीड बिलिंग तक जाने वाले इस रोड का निर्माण कार्य अभी भी चला हुआ है, इसलिए रोड की कंडीशन कई जगह पर बहुत ख़राब है, लेकिन ये रोड जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा।
तो लीजिए हम पहुंच चुके हैं बर्फ भरे पहाड़ों के पास बसे इस खूबसूरत गांव जिसका नाम है कुकड़गुंधा। अभी ठंड का मौसम है इसलिए हरियाली काफ़ी कम है, गर्मियों में यहां पर काफ़ी हरियाली होती है। तो दोस्तों अभी राजगुंधा यहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन हम यहीं पर उतर गए हैं क्योंकि यहाँ से आगे रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ से कोई रिस्क ना लेते हुए हम पैदल ही चलेंगे, तो चलिए आप भी हमारे साथ चलिए पैदल राजगुंधा गांव तक। अभी एक गाड़ी यहाँ से गुजरी और उसका चैम्बर इस पत्थर से बहुत ज़ोर से टकराया। छोटी गाड़ियों के लिए ऐसे रास्तों से जाना बहुत ही मुश्किल होता है। आप देख सकते हैं कि आसपास बहुत सारी कीचड़ है, इसलिए हमने अपनी गाड़ी को पीछे ही रोक दिया। अभी कुछ दिनों पहले बर्फ़ पड़ी थी और यहाँ पर कुछ बर्फ अभी भी शेष है। अभी दिसंबर का महीना है और जनवरी महीने में यहाँ पर कई बार 3-4 फुट तक बर्फ़ पड़ जाती है। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से आगे राजगुंधा गांव की तरफ। राजगुंधा जाते हुए आपको रास्ते में कई सारी छोटी छोटी दुकानें दिखाई देंगी। राजगुंधा में आप कई होटल और कैंप साइट्स भी खुल चुकी हैं और साथ ही यहाँ पर वन विभाग का विश्राम गृह भी है जिसकी आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। तो लीजिए हम राजगुंधा गांव के पास पहुंच चुके हैं, तो चलिए राजगुंधा गांव के अंदर चलते हैं। गांव में ये घर हिमालयन शैली से बने हुए हैं जो कि लकड़ी पत्थर और मिट्टी का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। बरोट गांव से अलग यहाँ के घरों में लकड़ियों का ढेर घरों के अंदर ही लगाया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ज़्यादा बर्फ़ पड़ने पर लकड़ियों के लिए घरों से बाहर न जाना पड़े। प्रत्येक घर के आगे पत्थरों से आंगन बनाए गए हैं, साथ ही घरों के आगे बाबा बालकनाथ जी का मंदिर भी बनाया गया है। तो चलिए अब चलते हैं गांव के ऊपर की एक छोटी सी पहाड़ी में और वहाँ से गाँव के नज़ारे देखते हैं। दोस्तों हमने राजगुंधा गांव से अलविदा ले ली है और अब हम पैदल ही चल पड़े हैं अपनी गाड़ी की तरफ। वहां से हम गाड़ी के जरिए पहुंच जाएंगे नदी के पास जहां पर हमने खाना बनाया था, तो अभी तक हमारी खिचड़ी तैयार हो ही गई होगी, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हम अपनी गाड़ी के पास पहुँच चुके हैं, तो चलिए बैठते हैं और चलते हैं और खिचड़ी खाते हैं जाके। तो लीजिए हम वापस अपनी पिकनिक वाली जगह के पास पहुंच चुके हैं। तो लीजिए खिचड़ी भी पक के तैयार हो चुकी है और जोरों से भूख भी लगाई है। हम अपने साथ देसी घी भी लाए हैं क्योंकि देसी घी के बगैर तो राजमा की खिचड़ी अधूरी है। राजमा की खिचड़ी का असली मजा तो देसी घी के साथ ही आता है खाने में, बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है। मजे आ गए। आइए इनसे पूछते हैं इनको खिचड़ी कैसी लगी।
ऐसे ठंडे मौसम में गर्म गर्म चाय पीने का मजा ही कुछ और। तो दोस्तों यहाँ पर अब शाम हो चुकी है और हमारा आज का ये रोमांचक सफ़र भी यहीं पर ख़त्म होता है। आपको यह सफ़र कैसा लगा हमको ज़रूर बताएं। इसके बाद हम सीधा गाड़ी में बैठेंगे और अपने गांव बरोट की तरफ चल पड़ेंगे। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको अलविदा, नमस्कार। Yeah.